हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता कैसा है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आ रहा है आप देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अभी मैं बता देती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है। थर्ड पार्टी सिचुएशन वो है जो दो लवर्स के बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई भी आ रहा है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स है, जैसे कि कास्ट कल्चर का इशू हो गया, एज डिफरेंस हो गए, फैमिली मैटर्स हो गए, पैसों का दिक्कत, करियर का दिक्कत हो गए, हेल्थ इशू हो गए, ठीक है, कोई अदर पर्सन हो गए, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गए, कोई टॉक्सिक पर्सन हो गए, ठीक है, तो जो कुछ भी आप दोनों के बीच में आ रहा है वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो अभी चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का रिश्ता कैसा है। उसके बाद देखेंगे कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेके क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन का कैसा रिश्ता है कारण सिचुएशन में। थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूअर्स के पर्सन का रिश्ता कैसा है, प्लीज एंजल गाइड करें। थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूअर्स के पर्सन का रिश्ता कैसा है कारण सिचुएशन में, प्लीज एंजल गाइड करें। थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूअर्स के पर्सन का रिश्ता कैसा है, थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिश्ता है, प्लीज एंजल गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का कैसा रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ, कैसा रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ, प्लीज एंजल गाइड करें। वन मोर कार्ड, कैसा रिश्ता है। तो गाइस यहाँ पर साइन में बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, ओके, सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे साइन हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली है थर्ड पार्टी सिचुएशन, पैसा है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, और कोई डेबिल एनर्जी, कोई कार्मिक एनर्जी, कोई कार्मिक रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो ओवरऑल मुझे ये नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन भागना चाहते हैं, ठीक है, बाहर आना चाह रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ चीटिंग वाली एनर्जी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हाइड कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपके पर्सन, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लैरिटी नहीं दे रहे, सच नहीं बता रहे आपके पर्सन, कुछ चीज़ें जो है छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है हाइड कर रहे हैं, या तो फिर चीट कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी को, ओके। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो है थर्ड पार्टी है पैसा या फिर करियर या फिर काम है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके करियर में इम्प्रूवमेंट आ सके, ओके। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गए थे, आपको चीट किया था, आपको धोखा दिया था, तो वो वापस आने वाले हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है कोई कार्मिक रिलेशनशिप में अगर है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो उस सिचुएशन को यहाँ पर एंड करना चाहते हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं, और ये डिवाइन के जजमेंट होगा, ठीक है, और डिवाइन की मर्जी से यहाँ पर एक डिसीजन होगा। अगर आपके पर्सन डिसीजन लेने से डर रहे थे, उस चीज़ों को एंड करने से डर रहे थे, तो डेफिनेटली यहाँ पर जजमेंट होगा, ठीक है, वो सिचुएशन एंड हो जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ओवरऑल मैंने बता दिया है आपको, फिर भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। यस, कुछ लोगों के लिए पैसा और हेल्थ इशू यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपके पर्सन चाहते हुए भी आपके तरफ स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। प्लीज एंजल क्लैरिफाई करें कार्ड्स को। फैमिली क्यों आया है, टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, टेन ऑफ पेंटिकल क्यों आए हैं, टेन ऑफ पेंटिकल क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, टेन ऑफ पेंटिकल क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है, टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। यस, वो आपके साथ ही प्यार का इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन आपके प्यार को वो छुपा रहे हैं, उनकी फैमिली से, सारी दुनिया से वो छुपा रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो है वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं, ठीक है, थीके?
तो आपके लिए एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ गए है। आप दोनों का जो प्यार है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर सीक्रेट लव है, ठीक है। आपके पर्सन खुद के फैमिली को नहीं बताया है, तो यहाँ पर करंट एनर्जी में आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। आपके तरफ हैप्पीनेस आ रहे हैं। ओके, सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आए हैं यहाँ पर, प्लीज सेंट्रल गाइड करें। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आए हैं, अगर पास्ट में आपके पर्सन आपको धोखा दिया था, चीट किया था फैमिली की वजह से, तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत इमोशनल है, रिग्रेट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो आपके तरफ वापस आना चाहते हैं। देखिए सारे ही वापस आने के कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। मैंने कहा था ना इस कार्ड को देखते हुए कि न्यू बिगिनिंग होगा, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने पास्ट में किसी अदर पर्सन की वजह से, फैमिली की वजह से आपको धोखा दिया था, तो यहाँ पर देखिए सारे ही कार्ड वापस आने का है, सारे ही कार्ड वापस आने का है, न्यू बिगिनिंग का है, कम्युनिकेशन का है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके पर्सन अगर पास्ट में उन्होंने चीट किया आपसे, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। ओके, टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आए हैं, क्या एंड हो रहे हैं, टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आए हैं। आपके पर्सन खुद चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना। देखिए नंबर थ्री और देखिए बॉटम से डेथ का कार्ड है, तो आपको दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ कैसा सिचुएशन है। एक के बाद एक एंडिंग का कार्ड है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। जो भी कार्मिक साइकिल है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, ओके, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर एंड होगा। सारे ही एंडिंग के कार्ड है, देखिए टेन ऑफ सोर्स, डेथ कार्ड, दी वर्ल्ड कार्ड, सारे ही एंडिंग को दिखा रहे हैं। और थ्री ऑफ सोर्स, आपके पर्सन खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद प्रे कर रहे हैं ताकि थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाए, ओके, और आपके रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन आ जाए, बैलेंस आ जाए। डेविल का कार्ड क्यों आया है, प्लीज सेंट्रल गाइड करें। डेविल का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, डेविल का कार्ड क्यों आया है, प्लीज सेंट्रल गाइड करें। डेविल कार्ड क्यों आए हैं, यस, थर्ड पार्टी डेविल एनर्जी है गाइस, कोई कंट्रोल कर रहे हैं आपके पर्सन, किसी कार्मिक सिचुएशन में बंद है आपके पर्सन, स्टक है। आपको दिख रहा है सीधा सीधा कार्ड, किसी कार्मिक बंधन में ट्रैप्ड है आपके पर्सन और कोई कंट्रोल कर रहे हैं, स्पेशली कोई फीमेल। देखिए ये दो लवर को बांध के रखे हैं यहाँ पर कोई डेविल ने, ठीक है। तो आप दोनों के जो रिश्ते हैं किसी के कंट्रोल में है, कोई डेविल पर्सन जो है कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन बहुत ही जल्दी एंड होने वाले है और एक जजमेंट आने वाला है यहाँ पर। कैसा जजमेंट होगा, प्लीज एंजल गाइड करें। यस, आपके पर्सन काट अप कर देंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिड पर्सन है, जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में उनके हस्बैंड या फिर वाइफ है जो कि कार्मिक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कौन आया है यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्स, ठीक है, जो कि आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। और जजमेंट कौन करेंगे, किंग ऑफ सोर्स, तो डेफिनेटली किंग ऑफ सोर्स जजमेंट करेंगे, डिसीजन लेंगे, रिजल्ट घोषित करेंगे किसके लिए, जो कि उनको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी में रख रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, बांध के रख रहे थे बहुत। तो बहुत सारे लोगों के लिए अगर उनके मम्मी है या तो फिर स्पेशली कोई कपल मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कपल की एनर्जी है, तो अगर उनका वाइफ है, हस्बैंड है, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर डिसीजन लेंगे और खुद की विश फुलफिलमेंट के लिए डिसीजन लेंगे। और उनका विश फुलफिलमेंट क्या है, देखिए यहाँ पर स्टार का कार्ड भी आ गए। विश फुलफिलमेंट क्या है यहाँ पर, आपके तरफ आना, एक्स के तरफ वापस आना। देखिए ये कार्ड जो है एक्स को रिप्रेजेंट करता है, मेमोरी ऑफ लव को रिप्रेजेंट करते हैं, और विक्ट्री, सक्सेसफुली आपके तरफ आना, मैरिज कमिटमेंट देना, शादी करना, ठीक है, जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं वहाँ से बाहर आना। तो एक एक कार्ड को जो है मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया है ताकि आपको ईजिली समझ में आए, और बहुत टाइम बाद मैंने ये डेक को यूज़ किया है, ठीक है। ये डेक बहुत ही पावरफुल डेक है गाइस, हो सकता है कॉमन डेक है लेकिन बहुत ही पावरफुल डेक है। यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉलिड निकल कर आते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो शॉर्टली मैं देख लूँगी, फिलहाल तो यहाँ पर आ चुके हैं एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव। देखिए यहाँ से देखिए लवर्स का कार्ड आ रहा है, प्लीज एंजल गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की, मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की। किसी के कंट्रोल से बाहर आना चाह रहे हैं, इमोशनल है, अभी अभी देखा था फिर से आया है क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड, तो डेफिनेटली किसी के कंट्रोल में है आपके पर्सन, कोई ना कोई उनकी जो सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। जिस सिचुएशन में आपके पर्सन है उसकी फ़ायदा उठा रहे हैं कोई यहाँ पर।
देखिए फिर से चैरियट का कार्ड है आपके तरफ वापस आ रहे हैं, उनका स्लीवलेस नाइट है और वेटिंग सिचुएशन है, वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है, जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, जिस भी कार्मिक सिचुएशन में हैंग थे वहाँ से बाहर आके एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। जहाँ पर भी वो डर रहे थे, इनसिक्योर हो रहे थे, स्टैंड ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टैंड लेंगे, न्यू बिगनिंग होगा और क्विकली होगा, ठीक है। तो देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो खुश नहीं है, वो हैंग्ड जैसा महसूस करे कि कोई उनको लटका के रखा है, ऐसा महसूस हो रहा है उनको कि कोई उनको कंट्रोल कर रहे, डोमिनेट कर रहे, ठीक है। तो उसी सिचुएशन से बाहर आने का यहाँ पर जो है प्रिपरेशन है, और बाहर आ भी रहे हैं बहुत सारे लोग के पर्सन, और आपके तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उनका इमोशनल ओवरफ्लो हो रहा है, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं। तो ये है आपके लिए फीलिंग्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं आपके तरफ, आपके पर्सन का कि नेक्स्ट क्या होगा इस रिश्ते में। प्लीज गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस रिश्ते में, प्लीज गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स की तरफ। प्लीज एंजल गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा यहाँ पर। मूविंग ऑन, देखिए मूव ऑन करेंगे किसी सिचुएशन से आपके पर्सन, मूविंग ऑन का कार्ड। सेलिब्रेशन को लेके आएंगे, जो भी वेटिंग सिचुएशन है वो खत्म होगा, आपके पर्सन दिमाग से सोचेंगे, ठीक है, और सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे, जो भी करेंगे खुद के लिए करेंगे, और उनका हार्ट चक्र जो है ओपन होगा, वो दिल से सोच पाएंगे, दिल से आपके लिए जो भी प्यार है उनका उसको वो बाहर लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ एनर्जी है। वन सेकंड गाइस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस गाइस। और क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन, प्लीज एंजल गाइड करें और क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। वन मोर कार्ड एंजल, और क्या होगा नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में, नेक्स्ट एक्शन और क्या हो सकता है। ओके हो सकता है आपके पर्सन की बहुत सारे चक्रास जो है ब्लॉक्ड है। तो देखिए नेक्स्ट एक्शन में स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है विद द न्यू बिगनिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगनिंग होने की चांसेस है, क्लैरिटी मिलने की चांसेस है आपको, और सिचुएशन यहाँ पर क्लैरिफाई होगा, और आपके पर्सन आपके तरफ न्यू बिगनिंग करेंगे, यहाँ पर यूनियन होगा, सेलिब्रेशन आएगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएंगे। ओके उनके लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, टावर मूवमेंट आएंगे ताकि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है पूरी तरीके से एंड हो सके, और थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर आएंगे। टावर कार्ड क्यों आए हैं प्लीज इनको गाइड करें। देखिए अगर उनका पैसा थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहाँ से बाहर आ जाएंगे, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी से वो बाहर आ रहे हैं, अगर फैमिली है, पैसा है, कुछ भी है, तो वहाँ से वो बाहर आ रहे हैं, और आपके साथ यहाँ पर सेलिब्रेशन आएगा, न्यू बिगिनिंग होगा, क्लैरिटी आपको मिलने वाले है, ठीक है। तो ये सारे एनर्जी है। तो नेक्स्ट एक्शन में सेलिब्रेशन आ रहा है और रियूनियन होने वाला है आने वाले 2 वीक के अंदर, 3 वीक के अंदर या फिर 3 डेज के अंदर। तो गाइस ये था आपके लिए रीडिंग, आई होप आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया है जरूर से लाइक करें, चैनल पे न्यू आया है सब्सक्राइब करें। फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।